You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all.

तो मैंने आज अपने घर में बनाए थे चने और अंडे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है ये इसकी रेसिपी भी किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी इन फ़िलहाल मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चिकन पकौड़ा जो कि बहुत क्रिस्पी बनकर रेडी होता है तो चिकन पकोड़े के लिए सबसे पहले हमें बोनलेस चिकन चाहिए होता है जिसके लिए मैंने ये छोट छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लिए थे ज़्यादा छोटे पीस भी नहीं किए हैं देखें तो मैंने दो अदद प्याज लिए थे तो उसमें मैंने प्याज़ को देखिए स्लाइसिस में भी काट लिया है लम्बा लंब लम्बा ही बारीक बारीक तो मैंने ये चिकन में प्याज ऐड किया है तो देखिए चिकन के पीस मैंने ज़्यादा बड़े नहीं रखे हैं और ना ही ज़्यादा छोटे रखे मीडियम साइज़ में है तो इसके अंदर मैंने अभी सब्ज़ धनिया काट के वाश करके रखा हुआ है और ये सब्ज़ मिर्ची मैंने तीन चार आदत काट ली थी तो ये इसमें भी मैं ऐड करूँगी तकरीबन तो टू टेबल स्पून धनिया है तो दो तीन सब्ज़ मिर्चें हैं और एक टेबल एक स्पून मैंने ये ज़ीरा डाल दिया है इसमें ज़ीरा तो बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए बहुत ही अच्छा ज़ायका आता है ज़ीरे से तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और ये खुश्क धनिया ऐड किया है इसमें मैंने देखिए इसको मैंने फुल नहीं पीसा हो बस हाथ से मसल के थोड़ा सा ही किया है हल्का सा बस मसल के डाला है इसमें तो अब ये गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन एक चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड किया है तो अभी मैंने इसमें नमक ऐड किया है दो चम्मच में इसमें नमक ऐड करूँगी और सुरख लाल मिर्च अभी एक चम्मच में सुरख लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ और दर मिर्च आधी चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ जिसको ज़्यादा स्पाइसी खाने हैं तो वो दर मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन हमारे बच्चों ने बेबीज़ ने खाने होते हैं तो इसलिए मैंने आधी चम्मच ही ऐड की है तो अभी ये मैंने आधी चम्मच चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है और मैंने थोड़ी सी कलवंजी इसमें ऐड कर दी है अभी तो ये आधी चम्मच अजवाइन है जिसको मैंने हाथ से मसल कर इसमें ऐड कर दी है तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी इसमें मैं इसको मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी ये देखें ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तो अभी इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी बेस बेसन वैसे तो ऐसे भी अच्छा लगता है लेकिन ये कि अगर भून कर फ्राई किया जाए तो तो भी वो भी उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है कच्चेपन का फिर जायका नहीं आता तो मैं इसमें ये बेसन ऐड कर रही हूँ तो देखिए मैंने इसमें थ्री टेबल स्पून मैंने बेसन ऐड किया है तीन बड़े चम्मच मैंने बेसन के एड क्या किए हैं जिसमें जिसके साथ सूप पीते हैं सूप वाला चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ बेसन के लिए तब तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके फिर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मुझे बेसन थोड़ा सा कम लगा था तो फिर मैंने इसमें एक टेबल स्पून और ऐड कर लिया है बेसन का आप भी देख लीजिएगा जितना आपको बेहतर लगे कुछ कुछ लोग ज़्यादा बेसन पसंद करते हैं कुछ लोग कम बेसन पसंद करते हैं तभी तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और आधे घंटे के लिए इसको मैं रेस्ट पे छोड़ दूँगी तो मौसम भी सेट है मौसम सेट क्या है बहुत ज़्यादा ठंडा है तो किचन में ही सही है तो आधे एक घंटे के लिए एक घंटे के लिए जो इसको रखना है तो किचन में ही मैं इसको रख रही हूँ जब भी रात को चाय का टाइम हो या जब मूड हो उससे एक घंटा पहले ये पेस्ट बना कर रख लें तो फिर जब इसको फ्राई करें तो इतना ज़बरदस्त बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और स्पाइसी बन रेडी होता है अगर आप इस पर थोड़ा सा टेस्ट अलग करना चाहते हैं तो आप इसमें तिकखा मसाला सुरख लाल मिर्च की जगह तिका मसाला मिक्स कर सकती हैं उससे भी टेस्ट अलग हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल रेस्ट में तो ये देखें मैंने तकरीबन तो इसको एक घंटा एक घंटा रेस्ट पे छोड़ दिया था तो अभी मैं इसे फ्राई करूँगी तो अभी मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल कर तो गर्म होने के लिए रख दिया है तो देखिए मेरा ये पेस्ट बनकर रेडी हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त तो अभी मैं ऑयल में छोटा सा पीस डाल कर टेस्ट करूँगी कि आयल गर्म हुआ है सही से या नहीं तो अभी नॉर्मल ही है अभी थोड़ा सा और ऑयल गरम हो जाए तो फिर इसमें मैं ऐड करूँगी तो मेरे ये हाई फ्लेम ही है स्टोव की हाई फ्लेम ही है तो जैसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी तो फिर मैं मीडियम फ्लेम कर दूँगी फिर मीडियम फ्लेम में ये मैं फ्राई करूँगी तो देखिए चम्मच की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्त छोटे छोटे पीस इसके अंदर डालूंगी और मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करूंगी क्योंकि इसमें मैंने बोलने इस चिकन ऐड किया है आई मीन बॉइल नहीं किया वो कच्चा ही चिकन है तो इसी में फ्राई करना है तो अभी ऐसे ही स्पून की मदद से इसमें मैं ऐड कर लूँगी सारा बेसन जो भी मैंने पेस्ट बनाया है तकरीबन इसमें आधा भी ऐड करूँगी फिर जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर आधा आहदा से इसको फ्राई करूँगी इसके साथ वैसे चपाती भी अच्छी लगती हैं लेकिन दाश की रोटी ज़्यादा मज़े की लगती है तो बाहर तंदूर की रोटी नान का ज़्यादा मज़ा आता है तो हमने तो आज नान की मंगवाया है तो वैसे तो आजकल तंदूर की नान के नान की तो हड़तालें हो रही हैं दुकानें बंद हैं लेकिन ये एक बहुत तो मुश्किल से मिला है बहुत दिन हो गए हैं इनकी हड़तालें चल रही हैं तंदूर से रोटी नहीं मिल रही है अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ वरना मैं आपको सलार दिखाती सलार इतना प्यारा फेस बना रहा है कभी आइज फुल खोल रहा है कभी फुल बंद कर रहा है कभी नाक चढ़ा रहा है तो मुझे बहुत क्यूट लग रहा है मुझे मेरा वर्क नहीं करने दे रहा वो बस ये कह रहे हैं कि मामा मुझे देखे तो ये सारे पकोड़े देखिए रेडी हो गए हैं चिकन पकौड़ा क्रिस्पी चिकन पकौड़ा बनकर रेडी हो गया है जो कि बहुत ही टेस्टी बना है तो ये थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी साथ में ये गरम की है और केचप है और कोका कोला तो मस्त है हर चीज़ के साथ इसके बिना तो फिर मज़ा ही नहीं <laughs> और ये नान बहुत मुश्किल से जैसे कि मैंने बोला कि मिला है हड़तालें चल रही है बहुत दिनों से तो दुकानें बंद हैं तो मैं आज बच्चों को दुकान पर लेकर गई थी तो ये ज़्यादा से कैंडीज लेकर आए हैं इनको कैंडीज़ का भी टेस्ट आता है कैंडीज का भी मज़ा आता है लेकिन नाभिया ज़्यादा खुश थी इसके कलर्स से ये देखे कलरफुल हैं और शाइन दे रहे हैं तो शाइन वाले कलर है और डिफरेंट कलर है बहुत ज़्यादा कलर है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं तो नाबिया इसके साथ इसको खाने से ज़्यादा इसके साथ खेल रही थी इसको खाने में इतना मज़ा नहीं आ रहा था जिस जितना इसको खेलने में मज़ा आ रहा था आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताएगा कैसी रेसिपी रही और कैसी वीडियो वीडियो थी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ हलाफी